और इस हिसाब से हमें टॉप पर ही रहना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए। अच्छा प्रदर्शन हुआ और हमें अभी गर्व महसूस हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय पर। हाँ सर सही बिल्कुल। पटेकर जी पटेकर जी आप अनम्यूट हो जाइए। पटेकर जी आप शुरू कर सकते हैं, आप अनम्यूट हो जाइए। सपना कर जी आप शुरू कर सकती हैं। सभी उपस्थितों को मैं शुभ प्रभात करती हूँ। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। रयत शिक्षण संस्था संचालित महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल जिला रायगढ़ हिंदी विभाग तथा मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित हिंदी दिवस समारोह में मैं आप सभी का उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत करती हूँ। और स्वागत एवं प्रस्ताविक के लिए हमारे विभाग के प्राध्यापक पटेकर सर जी से पटेकर जी आप शुरू की शुरू करिए। हेलो सर, शिक्षण संस्था का महात्मा फुले कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल से आयोजित हिंदी दिवस समारोह में उपस्थित प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर सचिन कपाट सर, हिंदी विभाग मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, समारोह के अध्यक्ष एवं आदरणीय गणेश ठाकुर साहब, महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के उप प्राचार्य एन आर मडवी सर, कला विभाग के उप प्राचार्य आर ए पाटिल सर, विज्ञान विभाग के एन जी रोकड़े सर, विभागीय अध्यापक प्राध्यापक बगनर सर, प्राध्यापक सो ठाकुर मैडम, सूत्र संचालक कुमारी सपना खांडेकर, हिंदी दिवस पर अपना मनोगत व्यक्त करने वाले कुमारी रिया प्रसाद और राजू कोहली।
आर्य पाटिल सर, प्राध्यापक बगनर सर। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। प्राध्यापक सो ठाकुर मैडम, सूत्र संचालक कुमारी सपना खांडेकर, हिंदी दिवस पर अपना मनोगत व्यक्त करने वाले कुमारी रिया प्रसाद और राजू कोहली, उपस्थित अध्यापकगण, कार्यक्रम में सभी सहभागी छात्र, सभी का मैं हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ तथा हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी महाविद्यालय में हिंदी समारोह का आयोजन हो रहा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे राज्यभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इस दिन सम्मान भाव प्रकट करने के ध्येय से आयोजन किए जाते हैं। सरकारी एवं निजी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न संस्थाओं में 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः 100 करोड़ है। नेपाल, चीन, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश है जिनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो अ यानी अनपढ़ से शुरू हो जाती है और ग यानी ज्ञानी बनकर छोड़ देती है। इसके संदर्भ में हिंदी के संत कबीर का एक दोहा यह प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मसी कागो छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका शाब्दिक अर्थ है कि संत कबीर दास ने अपने हाथ में कलम, कागज, शायद कुछ नहीं लिया था, यानी वो पढ़े लिखे न होने के कारण अनपढ़ अशिक्षित होकर भी आकाश ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने उनका नाम आज सभी लोग संत कबीर या महात्मा कबीर के नाम से पहचानते हैं। हिंदी भाषा को जीवित रखने के लिए हिंदी का प्रचार प्रसार हो जाना महत्वपूर्ण है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हर भारतवासी को इसका सम्मान करना चाहिए। जिस तरह विदेशी अपनी भाषा बोलते हैं, उसी तरह या उसी प्रकार हमें भी अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलने एवं उसका प्रचार करने में गर्व महसूस होना चाहिए। इस कार्यक्रम समारोह में आज हमारे बीच या उपस्थित प्रमुख अतिथि का परिचय देना भी महत्वपूर्ण है। हर समय हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहयोग देने वाले, हमें मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय डॉक्टर सचिन गपाट सर आज हमें हिंदी का वैश्विक परिदृश्य और रोजगार की संभावनाएं इस विषय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन करने वाले हैं। वे मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक तथा शोध निर्देशक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी विभाग में 25 साल से वे योगदान दे रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण समितियों में अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम समिति, विश्वविद्यालय सलाहकार समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति आदि पर वे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी में 5 किताबें प्रकाशित की है तथा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में 3 से भी ज्यादा शोधालेख हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में प्रकाशित।
उन्होंने भी मैं अनुवाद किया है। उन्होंने मराठी के हिंदी भाषा में अनुवाद किए हुए दो किताबें, उनके नाम है छावनी तथा बटरी, 42 से भी ज्यादा शोधालेख का वाचन उन्होंने किया है। उनके मार्गदर्शन में एमफिल के नव छात्र तथा पीएचडी के 6 छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। एक छात्र ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 2000 से में उन्हें गुण गौरव पुरस्कार, 2007 में उन्हें कैलाशवासी रामलिंग स्वामी ज्येष्ठ स्वतंत्र सेनानी पुरस्कार, 2007 में हिंदी वेलफेयर ट्रस्ट सम्मान आदि मान सम्मान उन्हें प्राप्त हो गए है। मैं हिंदी परिवार तथा हिंदी विभाग की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उसी तरह से इस समारोह के अध्यक्ष महाविद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश ठाकुर साहब भी इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे हैं। वे रेड शिक्षण संस्था के पूर्व सचिव के रूप में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। मुंबई विश्वविद्यालय का आदर्श प्रधानाचार्य पुरस्कार भी उन्हें सम्मानित किया गया है। रायगढ़ विभाग द्वारा दिया जाने वाला रायगढ़ भूषण पुरस्कार से भी उन्हें अलंकृत किया गया है। उसी तरह पनवेल रोटरी क्लब शिक्षण रत्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे अनेक मान सम्मान तथा पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में ऐसे सम्माननीय प्रधानाचार्य आज हमारे इस समारोह के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मेरे वाणी पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद पटेकर सर। मुझे लगता है कि पटेकर सर आपने हिंदी दिवस की जो हमें ज्ञानपूर्ण बातें बताई वो हमारे जीवन में हमें आगे बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है। और मैं थोड़ी हिंदी दिवस पर बोलती हूँ और फिर हमारे जो विद्यार्थी छात्र है वो अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को 1949 में संविधान सभा में सबकी अनुमति से हिंदी भाषा को राज्यभाषा का दर्जा मिला, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसकी विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। मैं अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए बोलती हूँ कि क्यों पड़े व्यर्थ की बातों में हम देश का बेहतर कल है। क्यों पड़े व्यर्थ की बातों में हम देश का बेहतर कल है। चमकेंगे एक दिन अंबर में हम देश का सुनहरा पल है। चमकेंगे एक दिन अंबर में हम देश का सुनहरा पल है। चलेंगे अगर सही मार्ग पर तो इतिहास में नाम चढ़ेगा। चलेंगे अगर सही मार्ग पर तो इतिहास में नाम चढ़ेगा। मरकर भी अमर हो जाएंगे बच्चा बच्चा हमें पढ़ेगा। मरकर भी अमर हो जाएंगे बच्चा बच्चा हमें पढ़ेगा। अगर विद्यार्थी दशा में ही हम अपना विकास करें तो आगे जाकर हम बहुत अच्छा कार्य समाज में कर सकते हैं। मैं मेरी विद्यार्थी छात्रा कुमारी रिया प्रसाद उससे विनती करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करे। शुभ प्रभात सभी मेरे सर और मेरे भाई बहनों।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि, माननीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रिया प्रसाद इस हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार, कुछ भावनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा भाषण पसंद आएगा। हिंदी दिवस शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम अपने मातृभाषा हिंदी को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1956 को लागू हुआ। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अधिकाधिक भाषा के रूप में अब दो भाषाएं हैं आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपयोग की जाती है। आज के युवाओं को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा और हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। जब हम ऐसा कहते हैं, हमारा मतलब ये नहीं है कि अन्य से खुद को दूर कर ले। हम केवल आप सभी से एक भाषा, एक राष्ट्र के माध्यम से भारत को एकजुट करने की अपील करते हैं। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो हम सब लोग बोल सकते हैं। दुनिया में हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा यूज होता है। हर एक राज्यों में हिंदी भाषा बोल सकते हैं, आसानी से सब बोल सकते हैं और हम इस हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। हिंदी को हम एक राष्ट्रीय भाषा बोलना चाहते हैं। मैं यही अपना भाषण खत्म करती हूँ। धन्यवाद सर, प्रिंसिपल सर। रिया प्रसाद का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो जन जन को जोड़ती है और हमारे पूरे भारत देश में लोगों को जोड़ने का काम हिंदी भाषा करती है, और उसने बहुत अच्छी तरीके से हमें हिंदी भाषा का महत्व समझाया, इसलिए मैं उसका आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे आज के जो कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि है, आपके विचार आपकी पहचान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। आप हमारे मेहमान हैं। और मैं हमारा जो दूसरा छात्र है राज कोली, उससे विनती करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करे। नमस्ते, मैं माफी चाहूंगा। हिंदी दिवस समारोह के लिए यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। महात्मा फुले कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल जिला रायगढ़ विश्वविद्यालय मुंबई संयुक्त तत्वाधान से आयोजित हिंदी दिवस समारोह। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रेरणाचार्य डॉक्टर गणेश ठाकुर साहब, आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय श्री डॉक्टर सचिन गपाड़ सर, मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक अध्यापक है। वह राजू बोलिए। हमारे हिंदी विभाग, हाँ सर, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है,
माफी चाहूंगा फिर से मैं। हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वनाथ पटेकर सर, उन्होंने मुझे आज मेरा मनोगत व्यक्त करने का यहाँ पर अवसर दिया, उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्राप्त हुआ। संवैधानिक रूप में हमारे राष्ट्रभाषा के स्वरूप में उसे भारत में उसे मान सम्मान हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ। जैसे कि 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया, उसके अनुसार कि भारत एक बहुधर्मीय एवं बहुभाषीय प्रांत है, यहाँ पर एक ऐसी भाषा को मानना कोई बात नहीं है। हिंदी ये सब की जन जन की बोली जाने वाली भाषा, मतलब हिंदी जिसमें आम इंसान एवं पढ़ा लिखा इंसान की अपने भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करता है, वो हिंदी भाषा है। एकदम समझ पाना एवं पढ़ लिखना ये बात है। पहले के जमाने में जब कोई इंसान अगर अंग्रेजी में बात करता रहेगा तो उसे कि उसकी एक मातृभाषा के प्रेरित में उसे अपने हिंदी भाषा उसको समझ में आती होगी, अंग्रेजी भाषा उसके समझने में उसे आपत्ति होगी कि हिंदी भाषा के माध्यम से वो अपने भावनाओं को प्रकट कर सकता है एवं अपने विचारों को वहां पे कर सकता है। कि भारत देश में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्र की उन्नति मातृभाषा से होती है, हिंदी यह हमारी राष्ट्रभाषा की मातृभाषा से रूप में होगी। पूरे भारतवर्ष में कि देखा जाए तो कि 40% लोग ही हिंदी भाषा में बात करते हैं। हिंदी भाषा का पहला विश्व परिषद है मॉरिशस में लिया गया है, वहीं पे हमारे हिंदी भाषा का केंद्र है। हिंदी के साथ में अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाया एवं लिखाया जाता है, उसमें केंद्र एवं रिसर्च किया जाता है। अमेरिका का विश्वविद्यालय हो, वहां पे अनेक ऐसे कि बाहरी लोग भी हिंदी भाषा को जानना एवं समझना चाहते हैं। भारत का प्राचीन जो संस्कृति है जो हिंदी भाषा में है, 8वीं शताब्दी से लेकर मतलब सदी से लेकर आज तक हिंदी भाषा में अनेक ऐसे भविष्य में कि अनेक उतार चढ़ाव एवं उसका विकास हुआ है। हिंदी भाषा के कुल मिलाकर 4 काल गिरते हैं, उसमें से सर्वप्रथम आदिकाल है, दूसरा रीतिकाल है, रीतिकाल भक्तिकाल एवं आधुनिक काल। हिंदी भाषा ने समय के साथ अपने आप को उसमें विकास करते गए। अन्य भाषाओं के शब्द से हिंदी भाषा के भंडार में उसमें बढ़ाई गई है। देखा जाए तो कि गुजराती हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, राजस्थानी हो एवं दिल्ली हो, कि अन्य भाषाओं के अन्य अन्य शब्द ये हिंदी में पाए जाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि अन्य भाषाओं को एकत्रित करती है एवं उसे स्नेह से प्यार से बांधती है। अनेक साहित्य जैसे रामायण है, महाभारत है, हिंदी एवं संस्कृत में है। देखिए जैसे कि माना जाए कि छायावित काल के 4 स्तंभों में से एक हमारा स्तंभ जो माना जाता है लेखिका महादेवी वर्मा जी। लेखिका महादेवी वर्मा जी का दूसरा रूप मीराबाई का दूसरा रूप लेखिका महादेवी वर्मा जी को माना जाता है। उन्होंने अपने कवि एवं लेखन से हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, जैसे कि मोहम्मद जायसी एवं पद्मनी भी है, संत कबीर एवं प्रेमचंद की कहानियां और कि अनेक गोदाम ऐसे इतने बड़े उपन्यास हिंदी साहित्य में पाए जाते हैं। इसी के साथ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर मोहन जी के अनुसार कि आजकल की विदेशों से लोग भारत में आके हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी भाषा को समझ रहे हैं कि संस्कृति मतलब कि साहित्य एवं अनेक पुराणों एवं शब्दों में हिंदी भाषाओं से शब्दों से कि आसान के नए नए शोध यहाँ से लगाए जा रहे हैं इन भाषा के माध्यम से। कहीं ना कहीं कि हिंदी को यहाँ पे विकास हो रहा है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के अनुसार कि हिंदी भाषा का विकास हो रहा है, कि अनेक क्षेत्रों में कि हिंदी भाषा को अपनाया जा रहा है, कि अंग्रेजी को प्रथम स्थान दिया जा रहा है, हिंदी को द्वितीय स्थान है, कि हालांकि आने वाले काल में देखा जा रहा है कि हिंदी प्रथम स्थान पे आते हुए हमें नजर आ रही है। वहां पर कि प्रयोजन मूलक कि नए नए शब्द एवं कंप्यूटर तकनीकी फॉर्मेट डिलेट ये शब्द की इसे अपनाया जा रहा है कि उसमें एक नई विकास यहाँ पे हो रहा है। कि अनेक छात्र यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं एवं स्नातकोत्तर की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर हिंदी का साहित्य एवं
कि जैसे कि जानते हैं कि भारत की जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, कि हिंदी भाषा जो एकदम सशक्त भाषा है, इस भाषा के माध्यम से अपनी राय अपने के आम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, ना कि अंग्रेजी में, कि इसके माध्यम से कि सामान्य भाषा से कि लोगों के दिल तक छुआ जा सकता है। हमारा जो यहाँ का जो राजकारण है, वह भी राजकीय के में विधानसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो, वहां पे हिंदी भाषा की बोलचाल रखी जाती है। वहां पे अपना राय एवं अपना सलाह मशवरा वहां पे प्रेरित करने का सबको अधिकार है। उसी के प्रकार से कि मातृभाषा से अगर किसी भी छोटे बच्चे को अगर शिक्षा दी जाए तो अधिकांश उसके बुद्धि में वो समझ आ सकता है, एवं भाषा का विकास के साथ राष्ट्र का विकास अपने आप होते रहता है। इसी के साथ कि देखा जाए तो कि उत्तर भारत में ज्यादा करके हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी ही किसी राज्य की मातृभाषा नहीं है, कि उसने अपना के साथ कि उसका विकास हुआ, जैसे कि मगध, अर्धमगधी एवं संस्कृत, फारसी, उर्दू, अन्य भाषाओं से मिश्रित यह है। दिल्ली में एक प्रांत खड़ी बोली एवं देवनागरी में की मिश्रित हिंदी भाषा का उगम पाया जाता है। उसी के साथ कि अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी को और रोचक एवं आसान एवं विद्यार्थियों को उसमें कहा जाए तो इंटरेस्ट कैसे आए, उसका प्रयास चल रहा है। इसी के साथ कि अनेक रोजगार की अनेक की बड़े बड़े पैकेज भी हिंदी की हिंदी भाषा के साथ की पढ़ाई करने के बाद कि इंसान को पढ़ सकता है। मैं एक हिंदी का छात्र होने के हिंदी के छात्र होने के साथ मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूं कि मैं हिंदी का छात्र हूं, कि एक अन्य भाषा से मेरा प्रेम एवं स्नेह मेरे भाषा के ऊपर हमेशा बना रहे, कि भाषा के अंतर्गत की अन्य चीजें भी इंसान को सीखनी मिलती है, कि हिंदी कहा जाए तो समाज में एक देखने का दृष्टिकोण एक अलग सा है, उसे मैं बदलने का मैं प्रयास करूंगा एवं भाषा का रुचि करूंगा कि हिंदी भाषा के साथ इंसान का कितना विकास हो सकता है, कि हिंदी भाषा के साथ कि देखा जाए कि बड़े बड़े औहदे पे लोग काम करते हैं। एक अगर गणित का शिक्षक हो तो देखा जाए तो गणित का है तो उसके तरफ देखने का नजारा कुछ अलग रहता है, एक हिंदी का शिक्षक हो तो उसके तरफ देखने का लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। कि ये जो मतभेद है, ये मतभेद को मैं मिटाना चाहता हूँ कि हिंदी के साथ एवं साहित्य में कि जितने सारे इतने साहित्यकार संत कबीर, तुलसीदास का रामचरितमानस, कि ऐसे कि अनेक साहित्यों में भी लोगों के एक समाज प्रबोधन करने का कार्य हिंदी भाषा से किया गया है। ऐसी राष्ट्रभाषा का विकास करना चाहिए कि अन्य भाषा का दिवस नहीं मनाया जाता है कि हिंदी दिवस ही क्यों मनाया जाता है। ये एकदम अफसोस की बात है कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा का एक दिन मनाया जाता है, कि इंसान को दिन के कि दिवस का कि एक याद रहना चाहिए कि आज एक हिंदी दिवस है, उसके हम कि उसे के अंतर्गत आज हम कि हम सब लोग हिंदी में वार्तालाप करेंगे, कि हिंदी भाषा को वाव देंगे, कि हिंदी भाषा का हम लोग अन्य प्रकार समय में हिंदी भाषा का विकास ये होना ही चाहिए। स्नेह एकदम प्रेम से अगर किसी भाषा को अपनाया जाए तो वो भी अपने वो भी हम सभी लोग को अपनाते हैं। यहीं पर मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। मेरे तरफ से आप सभी लोग को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद राजू कोहली, आपने बहुत अच्छे मार्गदर्शन पर बातें हमें बताई और हमें ज्ञान से संपन्न किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और फिर से एक बार हमारे प्रमुख अतिथि के लिए बोलती हूँ कि आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान है। मैं हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर सचिन जी गपाट सर, हिंदी विभाग मुंबई विश्वविद्यालय, उनसे विनती करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद। आभासी मंच
महात्मा फुले कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गणेश ठाकुर सर, महाविद्यालय के उप प्राचार्य, विभिन्न विभागों के प्राध्यापक, हिंदी विभाग के प्राध्यापक पटेकर जी, उसके बाद सूत्र संचालन कर रही सपना जी, और अभी दो विद्यार्थियों ने मनोगत व्यक्त किया ऐसे रिया और राजू जी, साथ ही उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्रों, हिंदी दिवस के उपलक्ष में मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और महाविद्यालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर मैं आपको हिंदी की वैश्विक स्थिति और रोजगार की संभावनाएं इस विषय पर विस्तृत बातचीत करने वाला हूं। बातचीत आरंभ करने से पहले मंतव्य से कुछ बातें उभर कर आई है, मुझे लगता है कि उस पर आरंभ में चर्चा करना जरूरी है। कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि हिंदी दिवस ही क्यों मनाया जाता है, क्या आवश्यकता है, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि खानापूर्ति के रूप में एक औपचारिकता पूरी करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह मान्यताएं जो है नकारात्मक है, बल्कि हिंदी आज जिस स्तर पर है, जिस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त किया है, उस सामर्थ्य का एहसास करवाना हिंदी दिवस है। अब मैं देख रहा था कि हिंदी भाषी विद्यार्थी है और हिंदी अच्छी, इतनी अच्छी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मातृभाषा इनकी हिंदी है। कहने का तात्पर्य यही है कि यही हिंदी दिवस की उपलब्धि है। एक और आपको हिंदी के सामर्थ्य से परिचित कराया जाता है तो दूसरी और आपको कई अवसर दिए जाते हैं, और यह इसलिए जरूरी है कि हम भारतीय जो है अपनी संस्कृति के आधार पर आज विश्व पटल पर चर्चित है और हमारी संस्कृति में उपलब्धियों को पर्व उत्सव के रूप में मनाना जो है परंपरा से चला आया है, आ रहा है। और आरंभ में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी हिंदी दिवस मनाया जाता था, लेकिन आज वे सारी स्थितियां बदल चुकी है। हिंदी आज जिस मुकाम पर खड़ी है, ऐसे में उसका प्रचार प्रसार एक और तो हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह इतनी सामर्थ्यशाली बन चुकी है कि वह आज विश्व भाषा है। उस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो मुझे शुरू में लगा कि इन बातों पर बात होनी चाहिए, तो ऐसे विभिन्न उद्देश्यों से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है और सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में इसे अनिवार्य भी किया गया है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से हिंदी के क्रियान्वयन को लेकर जो है सरलीकरण किया गया है और कुछ अनिवार्यताएं जो है निश्चित रूप से लागू की गई है, क्योंकि नकारात्मक मानसिकता को दूर करने के लिए इस तरह के आयोजन जो है आज अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए भाषा अनिवार्य है। भाषा के माध्यम से ही तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। यदि भाषा नहीं है तो व्यक्ति गूंगा ही है। भाषा के माध्यम से ही जो ज्ञान की हमें परंपरा मिली है वह आज सुरक्षित है। यदि भाषा नहीं होती तो कौन सा ज्ञान होता हमारे पास? तो भाषा के माध्यम से जो भी हमारा ज्ञान है वह संचित है, सुरक्षित है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हम वह ज्ञान ले जा रहे हैं। भारत को विश्व गुरु के रूप में जो देखा जाता है वह उसकी भाषा और ज्ञान और विरासत के कारण। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के लिए भाषा आवश्यक, अनिवार्य और विकास की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। भारतवर्ष की जब हम बात करते हैं तो भारत में संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाओं का भारतीय भाषाओं के रूप में उल्लेख है। आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ेगी, 24 होगी या उससे अधिक होगी, क्योंकि भारतवर्ष में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न बोलियों का प्रयोग किया जाता है और भाषा की दृष्टि से विविधता जो है भारतवर्ष में हमें दिखाई देती है, और इस विविधता में एकता का सूत्र स्थापित करने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है। सारी भाषाओं को जो भारतीय भाषा है उसे बहन मानने वाली हिंदी है, और इन सारी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में हिंदी को देखा जाता है।
हिंदी किसी भी भारतीय भाषा का विरोध नहीं करती है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करती है। लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी परस्त मानसिकता है, हिंदी अंग्रेजी का विरोध करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी किसी भाषा का विरोध नहीं करती है, बल्कि सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलने का संदेश हिंदी देती है। हिंदी अंग्रेजी का भी विरोध नहीं करती है, बल्कि अंग्रेजी के विभिन्न शब्दों को हिंदी के शब्दकोशों में समाविष्ट किया गया है, और वैसे ही शब्द जो है आने वाले समय में शब्दकोशों में आपको प्रचलित शब्द दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि हिंदी का अब सरलीकरण हो रहा है और लोग आसानी से बोल सके, आसानी से समझ सके, ऐसे विभिन्न भाषाओं के शब्दों को हिंदी में आज ग्रहण किया जा रहा है। भारतवर्ष पर या भारत की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हिंदी सबसे अधिक भारत में आज बोली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 82% से अधिक लोग भारत में आज हिंदी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। जब हम चीनी या मंदारिनी भाषा से इसकी तुलना करते हैं तो मंदारिनी जो है 62% लोग जो है वहां समझते हैं, बोल पाते हैं। जिस तरह से भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, भाषाओं की दृष्टि से विविधता है, वैसे ही चीन में भी विभिन्न भाषाएं हैं। केवल एक मंदारिन नहीं है, बल्कि 8-10 या उससे अधिक भाषाओं से जो एक रूप विकसित हुआ है वह मंदारिन है। अंग्रेजी की भी जब हम बात करते हैं तो अमेरिकन अंग्रेजी अलग है, ब्रिटिश अंग्रेजी अलग है, ऑस्ट्रेलियन, मतलब उसमें अंतर है, और तीनों को मिलाकर उसकी जनसंख्या जो है आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। मंदारिनी का भी वैसा ही है कि विभिन्न भाषाओं का जो एक रूप विकसित हुआ है या सारी भाषाएं जो वहां बोली जाती है, उन सारी भाषाओं के आंकड़े मंदारिनी के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। और भारतवर्ष में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। भारतीय भाषाओं की संख्या या उन्हें बोलने वाले समझने वालों की संख्या अलग है, और हिंदी जानने वाले और समझने वालों की दृष्टि से जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं वे सचमुच यथार्थ के आधार पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी में विभिन्न अंतर होने के बावजूद एक रूप में उसे आंकड़ों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। चाइना में विभिन्न भाषा होने के बावजूद मंदारिनी या चीनी के रूप में एक भाषा के आंकड़े जो है प्रकाशित किए जाते हैं, तो भारतवर्ष में भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है 82% से अधिक हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, इसलिए हम झूठे या गलत आंकड़े जो है प्रकाशित नहीं करते हैं। साथ ही भारतवर्ष की दृष्टि से मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज हिंदी जो है सबसे अधिक भारत में बोली जाती है, समझी जाती है और सुनी जाती है। हिंदी भारत में आज नवसंचार माध्यमों की भाषा बन चुकी है, नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की भाषा बन चुकी है, फिल्म या सिनेमा की प्रमुख भाषा के रूप में विकसित हुई है, और भारतवर्ष में यह ज्ञान की भाषा बन गई है, अनुसंधान की भाषा बन चुकी है, रोजगार की भाषा बन चुकी है। भारतवर्ष की दृष्टि से जब हम हिंदी को देखते हैं तो यह संचार की भाषा बन चुकी है, विचारों के आदान प्रदान की भाषा बन चुकी है, राजभाषा के रूप में तो इसे स्थान मिला ही है आधिकारिक रूप से, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी आज प्रचलित है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत में हिंदी जानने वाला और समझने वाला व्यक्ति यदि यात्रा करना चाहता है तो निश्चित रूप से बेझिझक वह देश के किसी भी कोने में जाकर बातचीत कर सकता है और यात्रा कर सकता है। अन्य भाषाओं में यह संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में यह संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई है, स्थापित हुई है, और सबसे अधिक भारतवर्ष में यह बोली जाती है। जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी भारतवर्ष में हम देखते हैं कि हिंदी का प्रयोग जो है अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक हो रहा है। यह नव सामाजिक या नव संचार माध्यमों की भाषा भी बन गई है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या ब्लॉग हो, या OTT प्लेटफॉर्म हो। अब फिल्में जो है कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो रही है, तो इनमें भी हिंदी सर्वोपरि है, प्रथम स्थान पर है। साथ ही जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप प्रयोक्ताओं की संख्या भारतवर्ष में हिंदी में सबसे अधिक है,
जो फेसबुक है उस पर भी सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग हो रहा है और जो ब्लॉग है सबसे अधिक भारतवर्ष में हिंदी में लिखे जा रहे हैं। 35 लाख से अधिक ब्लॉग जो है हिंदी में आज लिखे जा रहे हैं। कोरोना के प्रादुर्भाव में ये देखा गया है कि गूगल पर जो खोज हुई है, जो सर्च हुआ है, उसमें भारतीय भाषाएं और सर्वप्रथम हिंदी है। जो सामग्री गूगल पर खोजी गई है, गूगल ने ही प्रकाशित किए हुए आंकड़े हैं कि हिंदी में सबसे अधिक खोज इस दौरान हुई है। कहने का तात्पर्य यही है कि भारतवर्ष के धरातल पर अब राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हिंदी ही ऐसी एकमात्र भाषा है कि जिसे राष्ट्रभाषा का आधिकारिक स्थान मिलने की आवश्यकता आज निर्माण हुई है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो संख्या बल आज हिंदी के साथ है। 82% से अधिक लोग हिंदी जानते समझते बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आज राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा मिलने वाला माहौल भारतवर्ष में निर्माण हुआ है। यदि थोड़ी सी अनुकूलता सरकार की ओर से मिल जाती है तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में हिंदी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित की जाएगी, क्योंकि संख्या बल है। आप कब तक उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में हम कह सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का आधिकारिक दर्जा मिलेगा। अब यह भारतीय धरातल पर हुआ। जब हम वैश्विक धरातल पर हिंदी की बात करते हैं तो दिन ब दिन हिंदी और सशक्त और मजबूत होती जा रही है। 2015 के आंकड़े और आज के आंकड़ों में काफी अंतर आया है। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो एथनोलॉग नामक एक वैश्विक संगठन है जो भाषाओं का सर्वेक्षण करता है और आंकड़े प्रकाशित करता है कि कौन सी भाषा कितनी बोली और समझी जाती है। अब 2020 में उसका 23वां संस्करण आया है शोध का, खोज का, और उसने आंकड़े प्रकाशित किए हैं। देखिए, आंकड़ों में भी बड़ी राजनीति होती है और किसी भाषा को ऊपर दिखाना, किसी को नीचा दिखाना कई बार एक षड्यंत्र के तहत होता है। लेकिन कब तक चलेगा यह षड्यंत्र? इसे हिंदी जानने वालों ने दूर किया है और जो एथनोलॉग ने आंकड़े प्रकाशित किए थे उसकी कमियां उसको दिखाई गई है कि उसने किस आधार पर भाषाओं का क्रम दिया था। तो उसने अंग्रेजी हो चीनी हो ऊपर रखा था और हिंदी को तीसरे स्थान पर रखा था। लेकिन हिंदी भाषा के जानने वालों ने समझने वालों ने या हिंदी प्रेमियों ने इस अनुसंधान की खामियों को उसके सम्मुख रखा और सही आंकड़े जो है वैश्विक धरातल पर प्रस्तुत किए गए। जयंती प्रसाद नोटियाल जी ने जो है इस प्रकार के अनुसंधान के आंकड़े प्रकाशित किए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वैश्विक धरातल पर हिंदी आज प्रथम भाषा है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है और हिंदी को सर्वप्रथम भाषा के रूप में वैश्विक धरातल पर देखा जाता है। इसे इस आधार पर यह विश्व की प्रथम भाषा है क्योंकि इसे बोलने वाले जो है नए आंकड़ों के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार 1450 मिलियन लोग जो है आज हिंदी पूरी दुनिया में समझने वाले हैं या बोलने वाले हैं। इसमें कुछ अवैध शरणार्थी और प्रवासियों को भी लिया गया है। यदि यह आंकड़ा हम निकाल भी देते हैं तो 1356 मिलियन लोग जो है वैश्विक धरातल पर हिंदी आज जानते हैं और बोलते हैं। इसलिए हिंदी का दुनिया की भाषाओं में प्रथम स्थान है। वैश्विक धरातल पर जो है प्रथम स्थान पर हिंदी आज स्थापित हुई है। दूसरे स्थान पर आज अंग्रेजी आई है जिसमें 1268 मिलियन लोग जो है अंग्रेजी को आज जानते और समझते हैं। और तीसरे स्थान पर जो है मंदारिन या चीनी है जिसमें 1120 मिलियन लोग जो है मंदारिनी आज समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। और चौथे स्थान पर हम देख रहे हैं कि स्पेनी है जो 538 मिलियन जो है लोग जानते और समझते बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या जो है 277 मिलियन है। मतलब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की बात हम करते हैं तो उन भाषाओं में हिंदी आज ऊपर है, शीर्ष पर है और अन्य भाषाएं उसके नीचे है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वैश्विक धरातल पर हिंदी आज व्यापक विस्तृत हुई है, प्रथम स्थान पर पहुंच चुकी है, संख्या बल हिंदी के पास है
अब हिंदी प्रेमियों को मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में यह प्रथम भाषा होने के कारण रोजगार के कई अवसर और कई संभावनाएं हिंदी में उपलब्ध है, और रोजगार देने का बड़ा सामर्थ्य हिंदी में है। कई बार अभी मंतव्य में बात उठी थी कि हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक, गणित पढ़ाने वाले अध्यापक जो है एक व्यंग्य की दृष्टि से देखा जाता है भाषा के प्राध्यापकों को अक्सर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज हिंदी के साथ है, आने वाला उसका भविष्य स्वर्णिम है, क्योंकि विश्व भाषा के रूप में हिंदी आज प्रथम स्थान पर विराजमान हो चुकी है। आने वाले समय में यह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने वाली है, क्योंकि संख्या बल उसके पास है। भारतीय गृह मंत्रालय ने भी यह बात स्वीकार की है कि एथनोलॉग ने जो आंकड़े दिए हैं वह ठीक नहीं है, सही नहीं है, उसमें भारतीय ढंग से संशोधन होना चाहिए, भारतीय आंकड़ों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रथम भाषा के रूप में हमारे यहाँ जो है 900 मिलियन से अधिक लोग जो है हिंदी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। उन आंकड़ों को उन्होंने कम देखा है। जो भाषाई सर्वेक्षण हुआ है उसमें क ख ग में जो भारत की भाषाओं के आधार पर विभाजित किया गया है, तो वे सारे आंकड़े एथनोलॉग ने नहीं मतलब स्वीकार किए थे, लेकिन अब उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई है और सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। तो एथनोलॉग भी आने वाले समय में यही घोषित करने वाला है कि हिंदी प्रथम स्थान पर है, और ऐसी भाषा यदि कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, सीख रहा है, तो निश्चित रूप से उसका स्वर्णिम भविष्य आने वाले समय में है। मैं कहना चाहता हूं कि निज जो है हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना यही मेरी जिज्ञासा है, और यह जिज्ञासा हिंदी दिवस के अवसर पर हर हिंदी प्रेमी व्यक्त करता है, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हिंदी वैश्विक धरातल पर प्रथम स्थान पर पहुंच चुकी है। कई बार यह कहा जाता है कि हिंदी दूसरे तीसरे स्थान पर लेके है, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदी आज प्रथम स्थान पर है, और 1356 से अधिक मिलियन लोग हिंदी जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। अब और एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने जो प्रगति की है, जो उन्नति की है, जो विकास किया है, वो अपनी भाषा में किया है। इजराइल जैसा छोटा देश हिब्रू के आधार पर आगे बढ़ता है, हिब्रू में अनुसंधान करता है, मौलिक लेखन करता है, और 12 नोबल उन्हें मिलते हैं, और हमारे पास इतनी बड़ी भाषा, सशक्त भाषा होने के बावजूद राष्ट्रभाषा के रूप में उसे आज तक स्थान नहीं दिया गया। लेकिन आने वाला समय हिंदी का है, क्योंकि आंकड़े हिंदी के पास है, संख्या बल हिंदी के साथ है, इसलिए हिंदी जो भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ाएगा, जो भी सीखेगा, उसके लिए आने वाला समय स्वर्णिम है, और रोजगार के कई अवसर उसके लिए उपलब्ध होने वाले हैं। ये फिजी हो, त्रिनिदाद हो, सुरीनाम हो, ऐसे या जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी भी आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी आज है, तो विदेशों में भी हिंदी के अवसर है। और जापान जैसा राष्ट्र जो है आने वाले समय में वहां वृद्धों की संख्या अधिक होगी, तो वहां हिंदी जानने वाले युवाओं के लिए भी कई अवसर है। कहने का तात्पर्य यही है कि आने वाला समय हिंदी का है, और हिंदी किसी भाषा का विरोध नहीं करती है, बल्कि बहुभाषा को लेकर चलती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अब हिंदी हो भारतीय भाषाओं का संवर्धन करने वाली है। उसमें भी मुख्य रूप से यह कहा गया है कि भारतीय भाषाओं का संवर्धन होना चाहिए, और हिंदी के माध्यम से शिक्षा जो है एक हिंदी प्रमुख रूप से माध्यम शिक्षा का होनी चाहिए। साथ ही आने वाला समय हिंदी और बहुभाषाओं का है। आप हिंदी जानते हैं और कोई दूसरी भाषा जानते हैं तो रोजगार के लिए कोई कमी नहीं होगी। अनुवाद के आधार पर या विभिन्न कार्यालयों में रोजगार की संभावनाएं निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। तो वैश्विक स्थिति के पश्चात हम थोड़ा रोजगार की ओर बढ़ते हैं, और आने वाले समय में हिंदी में किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, ताकि आप सब लोग जो है हिंदी पढ़ने वाले हैं और आपके मन में से कुछ निराशा या जो भी नकारात्मकता भरी हुई है, मुझे लगता है कि हिंदी दिवस के अवसर पर उसे दूर करना चाहिए। विश्व में भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी या बाजार आज भारत है, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे अधिक है, क्रय विक्रय जो है वस्तुओं का सबसे अधिक हमारे देश में होता है। ऐसे में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह हिंदी को महत्व दे रही है,
क्योंकि हिंदी के माध्यम से ही अपने उत्पाद को बेच सकती हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली और जानी समझी जाती है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, या जो भी क्रय विक्रय करने वाली ऑनलाइन वेब पटल हैं, वे सारे वेब पटल अब हिंदी में भी उपलब्ध है और आप अपनी मांग हिंदी में भी कर सकते हैं। वस्तु क्रय करने का, विक्रय करने का आदेश हिंदी के माध्यम से आज दे सकते हैं। तो हिंदी में रोजगार की अकूत संभावनाएं आज हमें दिखाई दे रही है। वैश्विक धरातल पर और भारतीय धरातल पर रोजगार के कई अवसर हिंदी में है। अध्यापन का बड़ा क्षेत्र है, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जो है हिंदी में, राष्ट्रीय स्तर पर जो है अध्यापन के कई अवसर हैं। विदेशों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है और 155 से अधिक देशों में विभिन्न स्तरों पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन वैश्विक धरातल पर हो रहा है, तो वहां पर भी अध्यापन के अवसर है और हमारे कई प्राध्यापक मित्र विदेशों में हिंदी पढ़ाकर आए हैं, जा रहे हैं, जाते हैं। और आपको एक तथ्य यह भी बताना चाहता हूं कि वैश्विक धरातल पर जो 210 से अधिक देशों में हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उसमें से 70% लोग जो है हिंदी जानते, समझते हैं और बोलते हैं। तो वैश्विक धरातल पर हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य वे बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और यह विदेश मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़े हैं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूं। जो सच्चाई है, हकीकत है, वही आपके सामने रख रहा हूं और हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे लगता है कि ये रखना भी जरूरी है। तो वैश्विक धरातल पर भी रोजगार की कई संभावनाएं हैं, भारतीय धरातल पर रोजगार की संभावनाएं हैं, अध्यापन का बड़ा क्षेत्र जो है रोजगार की दृष्टि से उपलब्ध हिंदी में है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही बता रही है कि आने वाला समय हिंदी और भारतीय भाषाओं का होगा, रोजगार के कई अवसर उपलब्ध वहां होंगे। पत्रकारिता बड़ा क्षेत्र है हिंदी की दृष्टि से। भारतवर्ष में जो प्रिंट मीडिया है उसमें सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में निकलते हैं। दैनिक जागरण हो, जनसत्ता हो, या नवभारत टाइम्स हो, या प्रवासी संदेश हो, ऐसे विभिन्न समाचार पत्र हिंदी में निकलते हैं और युवाओं को उसमें रोजगार के कई अवसर हैं। नवभारत टाइम्स के संपादक जी से विभाग में एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अच्छे प्रूफ रीडर आज हमें नहीं मिल रहे हैं, अच्छे समाचार लेखक आज हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हिंदी पर यदि आपका अधिकार है, अच्छी हिंदी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो निश्चित रूप से समाचार पत्र के क्षेत्र में अकूत संभावनाएं हैं और मुंबई जैसे शहर में तो रोजगार की कोई कमी हिंदी में नहीं है। तो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, संवाददाता के रूप में, पत्रकार के रूप में कई अवसर वहां उपलब्ध है। दूसरा बड़ा क्षेत्र फिल्म या सिनेमा का है। हॉलीवुड की तर्ज पर हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में आज हिंदी में सबसे अधिक सिनेमा बनाया जा रहा है, फिल्में बनाई जा रही हैं। तो वहां पटकथा लेखक, संवाद लेखक और अन्य कई तकनीकी सहायक हो या हिंदी का जहां भी प्रयोग होता है, तो ऐसे विभिन्न अवसर रोजगार के लिए वहां उपलब्ध है। बस भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए, लेखन कौशल आपका अच्छा होना चाहिए और संवादों की क्षमता आप में होनी चाहिए। यदि ऐसी विशेषताएं आपके पास हैं तो सिनेमा जगत में भी आपको बड़े अवसर है और बड़े पैकेज मिलते हैं। बड़े पैकेज की बात आज हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो विभिन्न नवरत्न कंपनियां हैं, उन कंपनियों में राजभाषा प्रबंधक को जब प्रथम नियुक्ति हो जाती है तो 20 लाख से अधिक राशि प्रतिवर्ष उन्हें तनख्वाह के रूप में दी जाती है। तो इतना बड़ा पैकेज अध्यापन के क्षेत्र में भी नहीं मिलता है, बल्कि नवरत्न जो कंपनियां हैं उनमें राजभाषा प्रबंधक के रूप में यदि आपको नौकरी मिलती है तो इतनी बड़ी राशि आरंभ में मिलती है और आगे चलकर 50 लाख तक सालाना पैकेज जो होता है, तो इतनी बड़ी राशि हिंदी समझ कर आप प्राप्त कर सकते हैं। बस हिंदी के साथ दूसरी भाषा पर भी आपका थोड़ा अधिकार होना चाहिए, जैसे कि हिंदी मराठी हो, हिंदी अंग्रेजी हो, या हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं हो, विदेशी भाषाएं हो। यदि आप बहुभाषिक है तो रोजगार की कोई कमी आपके पास नहीं है। अनुवाद का भी एक बड़ा क्षेत्र है, अनुवाद करते हुए आप बहुत बड़ी रकम कमा सकते हैं। एक कहानी आप अनुवादित करते हैं और किसी अच्छी पत्रिका को भेजते हैं तो 2000 रुपये आपको मिलेंगे। साथ ही मराठी से हिंदी में, हिंदी से मराठी, या अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, ऐसा कुछ
पुस्तकें हो, संदेश हो या सामग्री हो अनुदित करते हैं तो प्रतिशब्द 100 रुपए से अधिक पैसे आपको दिए जाते हैं। तो रोजगार की वहां कमी नहीं है। सृजनात्मक लेखन भी बड़ा क्षेत्र है हिंदी के दृष्टि से, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे अधिक पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित होती है, लिखी जाती है और क्रय विक्रय होती है। 12 लाख से अधिक हिंदी के पास रचनाकार है, 25 लाख से अधिक शब्द हिंदी के पास है, तो हिंदी में बड़ा सामर्थ्य है। और ऐसे में सृजनात्मक लेखन आप हिंदी में करते हैं तो समझने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले पाठकों की संख्या अधिक होने के कारण पुस्तकों की बिक्री भी हिंदी में अन्य भाषाओं की तुलना में भारतवर्ष में आज होती है, बाहर भी होती है। तो कहानी लेखक के रूप में एक तो पैसा भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी, तो रचनात्मक लेखन में भी रोजगार के कई अवसर हैं। उसके बाद रेडियो के क्षेत्र में भी अवसर है, दूरदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी है। आज आप यूट्यूब और ब्लॉग पर भी हिंदी में व्याख्यान हो, सूचनाएं हो या नई तकनीक हो, नए आविष्कार हो, इसकी सूचना देकर भी वहां से भी धन अर्जित कर सकते हैं। तो नवे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी आज रोजगार के हिंदी के क्षेत्र में कई अवसर है। ऐसा इसलिए है, यदि YouTube चैनल बनाते हैं तो हिंदी में यदि हो रहा है तो पूरे देश भर में और विदेशों में हिंदी जानने वाले, समझने वाले अधिक है, इसलिए फॉलोअर्स हो, देखने वालों की संख्या हो, अधिक बनेगी, इसलिए एडवर्टाइज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से रोजगार की अपूर्व संभावनाएं हिंदी में है। राजनीति बड़ा क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल चुनाव में हिंदी को अपनाता है आज वही पूरे देश भर में प्रचार कर पाता है, जीत कर आता है। तो राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनीतिक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया हो, प्रचार सभाएं हो, हिंदी के बिना आज दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए उस क्षेत्र में भी आप विद्यार्थी रोजगार के अवसर के रूप में देख सकते हैं। उसके पश्चात कॉल सेंटर हो या विभिन्न जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं उनमें हिंदी सलाहकार के रूप में भी रोजगार के कई अवसर हैं। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी और प्रबंधक के कई पद खाली पड़े हुए हैं। अनुवाद पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात और अंग्रेजी और हिंदी दोनों की जानकारी रखने के बाद उस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी यदि दोनों साथ पढ़ने का अवसर होता तो निश्चित रूप से ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी का आपके पास ज्ञान है, किसी को स्नातक और किसी को स्नातकोत्तर स्तर पर आपने पढ़ा है, तो राजभाषा प्रबंधक के रूप में रोजगार के कई अवसर आपके सम्मुख खड़े हैं और बड़ा पैकेज जो है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियां देने के लिए तैयार है। अब जैसे डिलीवरी के लिए, जैसे जो खाद्य संस्कृति है उसमें भी परिवर्तन हुआ है और आज भोजन घर पर पहुंचाया जा रहा है, विभिन्न पदार्थ घर पर पहुंचाए जा रहे हैं। अब वे कंपनियां भी देख रही है कि हिंदी जानते हैं तो संवाद स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए हिंदी जानने वालों को डिलीवरी बॉय के रूप में या उस सेवा प्रदाता के रूप में रखा जा रहा है। तो हिंदी के क्षेत्र में मतलब यह भी एक रोजगार का अवसर है। साथ ही हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हो या विभिन्न जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उसमें भी हिंदी का आज प्रयोग हो रहा है। चिकित्सा हो, अभियांत्रिकी हो या व्यवस्थापन शाखा हो, आज हिंदी में इसकी भी पढ़ाई हो रही है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा हो या भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय हो, वहाँ अब सारे पाठ्यक्रम आरंभ हो रहे हैं और चिकित्सा और अभियांत्री या अन्य विषय भी जो है हिंदी में, विधि की पढ़ाई हो, हिंदी में आरंभ हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हिंदी के बिना कोई दूसरा विकल्प हमारे आज पास नहीं है। यह आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने वाली है, क्योंकि वैश्विक धरातल पर हिंदी के साथ आज आंकड़े हैं, संख्या बल है और आने वाले समय में अब हिंदी को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिसके पास आंकड़े और संख्या है लोकतंत्र में वही विजेता माना जाता है, उसकी जीत होती है, वही शीर्ष पर रहता है, क्योंकि यह लोकतंत्र का नियम है, अप्रत्यक्ष नियम है। तो इस आधार पर हिंदी आज विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर है, बोलने वालों और समझने वालों की संख्या अधिक है। भारतवर्ष में तो यह सभी भाषाओं को साथ लेकर चलती है, सभी भाषाओं की बड़ी बहन है। हिंदी किसी का विरोध नहीं करती है बल्कि अपने में समावेश करते हुए आगे बढ़ती है, यही हिंदी की विशेषता है। स्वाधीनता आंदोलन के समय भी आप लोगों ने
देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि उस समय भारतीय समाज को एकता में, एकता के सूत्र में बांधने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है। तो स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक भारत की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने वाली भाषा हिंदी है। इसमें रोजगार की अकुत संभावनाएं हैं। निराशा को हटाकर यदि आप हिंदी पर अधिकार स्थापित करते हैं तो आने वाले समय में रोजगार की अकुत संभावनाएं, अनेक संभावनाएं आपके सामने खड़ी होगी। बस थ्री इडियट्स फिल्म या सिनेमा की कुछ बातें याद आती है कि आपको उसके योग्य बनना होगा, भाषा पर अधिकार स्थापित करना होगा और भाषाई कौशल जो है, लेखन हो, श्रवण हो, वाचन हो या बोलने की कला हो, यदि इस पर आप अधिकार स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में रोजगार की एक प्रकार से निश्चितता है, आश्वस्ति है और आने वाले समय में रोजगार मिलकर ही रहेगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति में इस तरह से योजनाएं बनाई गई है कि भारतीय भाषाएं और हिंदी ही प्रमुख रहेगी, शिक्षा का माध्यम रहेगी, अन्य भाषाओं का कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा आगे बढ़ेगी। क्योंकि इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है कि हिब्रू भाषा में उन्होंने मौलिक शोध कार्य किया है और 12 से अधिक नोबेल उनके खाते में है, तो आने वाले समय में हिंदी के माध्यम से भी ऐसी जो है पुरस्कार हो, सम्मान हो, हमें मिलने वाले हैं। रोजगार की अकुत संभावनाएं इस भाषा में हमें दिखाई देती है। बस विद्यार्थी मित्रों से मेरा आग्रह है कि वे भाषाई कौशलों पर अधिकार स्थापित करते हुए अपने आप को उस योग्य, उस रोजगार परक बनाए तो रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी और कोई आपको व्यंग्य की दृष्टि से भी नहीं देखेगा। इसलिए आपको भाषा पर अधिकार स्थापित करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य, कुशल प्राचार्य और रयत शिक्षण संस्था में अत्यंत चर्चित व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर गणेश ठाकुर जी ने और हिंदी विभाग के प्राध्यापकों ने मुझे यहाँ बातचीत करने के लिए बुलाया। आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता है, इसलिए मैं आपके प्रति, महाविद्यालय के प्रति और सभी अध्यापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही विद्यार्थी मित्रों ने मुझे सुना, सहा और जो भी ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ और पुनः सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने हमें बहुत ही मौल्यवान और मार्गदर्शन पर ज्ञानपूर्ण बातें बताई। आपने भारत के विश्व गुरु के रूप में हिंदी भाषा को दिखाया जाता है और भारत की विविधता, भारत की पहचान ही विविधता है। भारत हमारा विविधताओं की वजह से ही पहचाना जाता है और इस विविधता को जोड़ने में हिंदी कैसे सहायता करती है और इस विविधताओं को जोड़ने के जो मूल रूप है वो हिंदी भाषा है, ये हमें समझाया। और हिंदी भाषा कितनी शक्तिशाली है, हिंदी भाषा में हमें कितने सारे रोजगार की संधियां है, ये सब हमें जो ज्ञान पर बातें बताई उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ज्ञान का दीपक गुरु जलाते, अंधेरी या अज्ञान मिटाते। ज्ञान का दीपक गुरु जलाते, अंधेरी या अज्ञान मिटाते। विद्या रूप धन देकर गुरु प्रगति मार्ग पर हमें बढ़ाते, प्रगति मार्ग पर हमें बढ़ाते। हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। मैं हमारे कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है सम्माननीय डॉक्टर गणेश जी ठाकुर साहब, आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें। महाराष्ट्र के शिक्षण महर्षि महात्मा ज्योतिबा फुले और कर्मवीर भवराव पाटिल जी को सबसे पहले वंदन करता हूँ। हिंदी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सचिन गपाड़ जी, हिंदी विभाग मुंबई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर राजाराम पाटिल जी,
डॉक्टर नरेश मडवी जी, प्राध्यापक अनिल रोकडे जी, हिंदी विभाग के मेरे सहयोगी प्राध्यापक विश्वनाथ पटेकर जी, प्राध्यापक बगनर जी, जूनियर विभाग में कार्यरत प्रभावती ठाकुर जी, उपस्थित शिक्षकगण और मेरे सभी छात्रों, आप सभी को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। 14 सितंबर 1953 से देश में हिंदी दिवस उत्साह से मनाया जाने लगा और साथ ही हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाने लगा, जिसके तहत निबंध प्रतियोगिता, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाने लगी, ताकि लोगों में इस भाषा के प्रति रुचि जागे और वे इन प्रतियोगिता में भाग लेकर इस भाषा के ज्ञान को बढ़ाए और हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल में इसका सबसे अधिक विकास हुआ है। भारत के आजादी में भी हिंदी भाषा का काफी महत्व रहा है, चाहे वह आजादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हो या फिर देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला भरने का कार्य किया था। यही कारण था कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर प्रतिदिन संकट मंडराता जा रहा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, पर हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों पर और जगहों पर हिंदी भाषा बोलने से कतराते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़े और फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्य की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। आज के समय में हमारे देश में अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा पहले अच्छे इंग्रेजी लिखना और बोलना सीखे। हमें लोगों को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, ना कि प्राथमिक भाषा के रूप में। ये सारी चीजें बचपन से ही करना आवश्यक है, ताकि आगे चलकर उन्हें सामूहिक मंचों पर हिंदी बोलने में संकोच ना हो। सामान्यतः लोगों में यह गलत अवधारणा आ चुकी है कि यदि बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को हमें यह समझाना होगा, ज्ञान ग्रहण करने वाले की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, ना कि शिक्षा की भाषा पर। सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी बराबरी का स्थान मिले। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं, यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती हो तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी महत्व देते हैं। हिंदी दिवस के एक शुभ अवसर पर मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जीवन की परिभाषा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए
तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मैं आपके सामने और एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो मुझे बचपन से बहुत प्यारी है, और उस कविता को सुनने के बाद मैं प्रेरित होता हूं। जब भी मेरे जीवन काल में ऐसा कठिन प्रसंग आता है तो यह कविता मैं याद करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी छात्रों को यह विनती करता हूं कि यह कविता आप भी अपने जीवन में जब ऐसा कोई संकट काल आए तो आप याद करते रहिए, उससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप सभी को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे अध्यक्षीय भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें योग ज्ञान पर बातें बताई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यतीत करती हूँ। आपने हम छात्रों को सिखाया कि हमारे जो भी सभी छात्रों को हिंदी अनिवार्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसे अंग्रेजी का मोल है उतना ही मूल्यवान भाषा हिंदी भी है। और मुझे लगता है कि छात्र जीवन में सभी जो विद्यार्थी है, जो सभी छात्र है, उन्हें हिंदी भी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें हमारी मातृभाषा या हिंदी या अंग्रेजी यही सीखना चाहिए, बल्कि सभी छात्रों को लिपिशु गुण उनके अंदर होना चाहिए। जैसे कि हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और उसमें हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए। ये जो आपने बात कही वो बहुत ही सुंदर है, और आपने जो हम अपने बचपन से जो आपको कविता पसंद है उसकी जो यादें हमारे साथ बांटी, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और जो अपनी कविता हमें सुनाई बहुत ही सुंदर थी वो कविता, कि चींटी का जो योगदान है वो बहुत ही मौल्यवान है, क्योंकि एक चींटी उसका जो उसका जीवन है वो तो बहुत ही थोड़े समय का होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में बहुत सारी जमा पूंजी करके रखती है। उसे पता है कि उसे खाने के लिए इतना नहीं चाहिए, फिर भी वो सब कुछ जमा पूंजी करके रखती है, क्योंकि उसे अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो जमा कर रखती है। और वो कहती है कि अगर मेरी याद किसी को आए या ना आए, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब ये जरूर लिखा जाएगा कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ किया था, उनके लिए चली थी, और अपने वो पूरे जीवन भर वो जमा पूंजी करने का काम करती है। ये बहुत ही मौल्यवान चींटी का जो उदाहरण था वो था। और इसी प्रकार मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि सत्य और न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं। सत्य और न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं, संघर्ष से लड़कर जीतना शिक्षक हमें सिखाते हैं। शिक्षक ही है जो हमारे जीवन में हमें ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। और ऐसे ही हमारे महाविद्यालय की जो शिक्षिका है प्राध्यापिका सौ प्रतिभा प्रभावती ठाकुर मैडम, उनसे मैं विनती करती हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन व्यतीत करें। नमस्ते, नमस्ते सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं प्रभावती गणेश ठाकुर जूनियर विभाग से आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। हिंदी दिवस समारोह को
धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रमुख अतिथि मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर सचिन गपाट जी, जिन्होंने हिंदी का वैश्विक परिदृश्य और रोजगार की संभावनाएं इस विषय पर प्रभावशाली भाषण ने हमें आकर्षित किया। आदरणीय सर, आपके शब्दों से हमें जो प्रेरणा मिली है, हमारे कॉलेज की तरफ से मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे प्रतिभा संपन्न अतिथि को इस समारोह में आमंत्रित किया वो हमारे संकुल के प्रमुख और इस समारोह के अध्यक्ष प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश ठाकुर जी, जिन्होंने हमें बहुत ही मौलिक मार्गदर्शन किया और मुझे यहाँ धन्यवाद प्रस्ताव की जिम्मेदारी दी है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ साथ इस समारोह में उपस्थित हमारे कॉलेज के कला विभाग के उप प्रधानाचार्य आर ए पाटिल, विज्ञान विभाग के उप प्रधानाचार्य ए जी रोकड़े, वाणिज्य विभाग के उप प्राचार्य एन आर मड़वी तथा नेक कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक गोवे सर, जूम मीटिंग का आयोजन करने वाले डॉक्टर गुंड सर, इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रमुख प्राध्यापक पटेकर सर और प्राध्यापक बनगर सर, जिन्होंने इस समारोह का उचित नियोजन किया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ हमारे कॉलेज के एमए विभाग के छात्र कुमारी रिया प्रसाद और कोली राजू, इन्होंने अपने बहुत खूबसूरती से अपने मनोगत व्यक्त किए, इसीलिए कॉलेज की तरफ से इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस समारोह में सम्मिलित अध्यापक गण और जूनियर तथा सीनियर विभाग के सभी छात्रों का कॉलेज की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार। इस समारोह का सूत्र संचालन करने वाली हमारे कॉलेज की एमए विभाग की कुमारी सपना खांडेकर ने खूबसूरती से सूत्र संचालन किया, इसलिए उसी का बहुत बहुत आभार। यह कार्यक्रम समारोह के अध्यक्ष की अनुमति से संपन्न हुआ, ऐसे में घोषित करती हूँ और फिर एक बार सभी को धन्यवाद करके आपके वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद साहब।